डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक जो काफ़ी परेशानी क्रिएट करती है, इसको अच्छे से आप क्लियर करोगे, नॉर्मल। अब ये नॉर्मल किस मिरर के लिए कैसा होगा, दैट्स अ मेजर क्वेश्चन। तो ये नॉर्मल दो मिरर्स के लिए हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट मिरर कहलाएगा प्लेन मिरर और दूसरा होगा हमारे पास स्फेरिकल मिरर। दूसरा क्या होगा? स्फेरिकल मिरर। अब प्लेन मिरर स्फेरिकल मिरर में समझते हैं नॉर्मल कैसे ट्रेस होगा। तो ये प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर में नॉर्मल हमेशा इस सरफेस के साथ आउटवर्ड राइट एंगल पे होगा। कैसे होगा? आउटवर्ड डायरेक्शंस में होगा। और कैसा होगा? ऑलवेज राइट एंगल। कैसा होगा? परपेंडिकुलर। नॉर्मल ऑलवेज परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन। नॉर्मल ऑलवेज परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड विद रिस्पेक्ट टू सरफेस। सरफेस के साथ कैसा होगा? आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। इसको हम किससे कोट करेंगे? एन से। सपोज ये मिरर होता है ऐसे, तब इसका आउटवर्ड होता है ये, राइट? ये इसका नॉर्मल कहलाता है। ये क्या कहलाता है? इसका नॉर्मल। ओके, अब दूसरा आते हैं स्फेरिकल मिरर के लिए नॉर्मल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। पहला कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। कॉनकेव मिरर कैसे बनेगा ये समझते हैं। ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है और ये इसका सेंटर है। तो इसके लिए नॉर्मल हमेशा कहाँ से ट्रेस होगा? सेंटर से। कहाँ से ट्रेस होगा नॉर्मल? सपोज लाइट यहाँ पर ऐसे इंसिडेंट हुई और फोकस से क्या हुई है? पास आउट हो गई। तो ये कहलाएगा इंसिडेंट रे और ये कहलाएगा रिफ्लेक्टेड रे। तो नॉर्मल भी चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड नॉर्मल भी होता है। वो नॉर्मल कहाँ से लोगे आप? यहाँ से लोगे। कहाँ से लोगे ये नॉर्मल? यहाँ से। क्लियर हुआ? तो नॉर्मल कहाँ से पास आउट होगा? पास होगा फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहाँ से पास आउट होगा? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अच्छा, दूसरा देखते हैं हम लोग, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए नॉर्मल कैसा होगा? कॉन्वेक्स मिरर में आते हैं, तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए ये केस आ गया हमारे पास। ये हो गया कॉनकेव मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर चाहिए हमें, तो ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। ओके, इसका सेंटर कहाँ होगा? यहाँ कहीं होगा इसका सेंटर। और सपोज लाइट यहाँ पर इंसिडेंट होती है और यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो ये पास आउट कहाँ से होगा? फोकस से। ओके, तो हमें अभी क्या चाहिए? इसमें भी नॉर्मल चाहिए, तो यहाँ भी नॉर्मल कहाँ से लोगे आप? सेंटर से लोगे। और वो सेंटर से कैसा होगा? ये होगा कुछ ऐसे, ये इसका नॉर्मल होगा। और ये कहलाएगा इंसिडेंट रे और ये कहलाएगा रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्टेड रे। अब एक क्वेश्चन बनता है कभी कभी, न्यूमेरिकल्स आता है, व्हाट हैपन इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज जीरो। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो जाए तो क्या होगा कंडीशन? देखिए, ये एक प्लेन मिरर है, इसका नॉर्मल कहाँ पे होगा? नॉर्मल होगा ऐसे। और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? कि द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। तो यहाँ देखो, अगर ऐसे होगा तो ये कुछ ना कुछ है। तो जीरो होने का मतलब कि अगर ये लाइट इसके ऊपर ऐसे इंसिडेंट हुई तो वापस क्या होगी? ये रिकॉल हो जाएगी अपने पाथ पे। यानी कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होता है, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होता है? जीरो, देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? जीरो होगा। एंड कवर आवर पाथ, अपने पाथ को वापस ये कवर करेगा और उसी पाथ का रिकॉल हो जाएगा। जिस पाथ से आ रहा था उसी पाथ से ये चला जाएगा। ये इसकी एक फिनोमिना होती है। ओके, अब हम इसमें देखेंगे कुछ इमेज फॉर्मेशंस। क्या देखेंगे इसमें? कुछ इमेज फॉर्मेशन को समझेंगे, किस तरीके की इमेज फॉर्मेशन इसमें बनाई जाती है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ठीक, इसको समझते हैं हम लोग, इमेज फॉर्मेशन को। ओके, तो इमेज फॉर्मेशन देखते हैं आज का पहला। अब इमेजेस को समझते हैं पहले, इमेज क्या होता है। इमेज, एक चीज़ और आ गई, इमेज क्या? एक ऑब्जेक्ट का लूप
एक ऑब्जेक्ट की कॉपी जो होगी किसी मिरर के सामने, वही क्या कहलाती है, उसकी इमेजेस कहलाती है। और ये जनरली इमेजेस जो होती है, सपोज ये मिरर है, ये क्या है, एक प्लेन मिरर, और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ओ, कितने मीटर पे, 2 मीटर पे, तो इसका इमेज इसके अंदर बन जाएगा कितने मीटर पे, 2 मीटर पे इसका इमेज बनेगा। अब ये कैसे बनेगा, थोड़ा सा इसको समझो, ये लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होगी और ये यहाँ से ऐसे चली जाएगी और ये नॉर्मल यहाँ पर आएगा, यहाँ एक इमेज बनेगा। इमेज बनने के लिए कंपलसरी कंडीशन के 2 रेज आर कंपलसरी इंटरसेप्ट टू ईच अदर, क्या होगा, ये एक दूसरे से इंटरेक्ट होगा, इंटरसेक्ट करेगा और तभी ये इमेजेस बनती है। तो अगर एक्चुअल में अगर 2 रेज आपस में कट कर रही है तो ये इसका क्या कहलाएगा, ये इसका इमेजेस कहलाएगा। अगर एक्चुअल में नहीं करके हमने उसको इमेजिन किया है, हमने क्या किया है, उसको इमेजिन किया है, तो इमेजिन करने के केसेस में हम इसको कैसे लेंगे, कि डॉटेड लाइन से लेंगे, और डॉटेड लाइन से जो इमेज बनेगा, इस इमेज को हम बोलेंगे वर्चुअल इमेज। क्या बोलेंगे इसको, वर्चुअल इमेज। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज। इस इमेज को हम बोलेंगे रियल इमेज, और इसको हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज। अब थोड़ी खासियत देखते हैं कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेजेस के क्या क्या खासियत है, क्या उसकी पहचान है, किस तरीके से हम पहचानेंगे। तो नोट करके याद कर लो कि रियल इमेज आर ऑलवेज इन्वर्टेड इन नेचर। कैसा होगा, ये इन्वर्टेड होगा। सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है इस पे, तो इसका इमेज कैसा बनेगा, ऐसे बनेगा, रियल इमेज है लेकिन इन्वर्टेड होगा। सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है तो इमेज कैसा बनेगा, ऐसे बनेगा। सपोज ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज कैसा बनेगा, ये बनेगा, यानी हमेशा उसके रेस्पेक्ट में क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। एक और केस, अगर सपोज करो कि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इमेज कैसा बनेगा, ये, तो इसके लिए ये रियल इमेज है, ये भी रियल इमेज है, ये भी रियल इमेज है, तो रियल इमेज कैसा होगा, हमेशा इन्वर्टेड होगा। दूसरा नोट सेकेंड, वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज इरेक्टेड इन नेचर। कैसा होगा, ये इरेक्ट होगा, इरेक्ट का मतलब सीधा इमेज होगा। कैसे होगा वर्चुअल, सपोज ये ऑब्जेक्ट है और इसका वर्चुअल इमेज बन रहा है तो भी कैसा बनेगा, ऐसे ही बनेगा, लेकिन हम इसको डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। सपोज ये ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेजेस कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, तो वर्चुअल को ऐसे दिखाएंगे। सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है और इसका वर्चुअल इमेज हम कैसे दिखाएंगे, ये दिखाएंगे। ओके, ये हमारे पास कुछ केसेस आती है, इसको हम क्या बोलते हैं, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेजेस। क्लियर हुआ।